हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू कंपेरिजन ऑफ बिटवीन एंड अमंग बोथ बिटवीन एंड अमंग आर प्रेपोजिशंस दोनों बिटवीन और अमंग जो हैं वो प्रेपोजिशंस होती हैं ओके okay, तो ये सिमिलैरिटी है दोनों में कि दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं तो दोनों डिफरेंट कैसे हैं ये अभी मैं आपको समझाऊंगी कि दोनों को आपने कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ध्यान से तो देखिए बिटवीन कहाँ पर हम यूज़ करते हैं बिटवीन इज़ यूज फॉर टू थिंग्स और टू पर्सन्स फॉर एग्जाम्पल दिस मैटर इज़ बिटवीन यू एंड मी जब आप ये कह रहे हो कि ये जो बात है ये हम दोनों के बीच में हैं तुम्हारे और मेरे बीच में है इसलिए यहाँ पर हमने बिटवीन यूज़ किया है क्योंकि टू परसन्स की बात हो रही है तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अमंग अमंग इज़ यूज फॉर मोर दैन टू पर्सन और थिंग्स जब हम दो पर्सनस यानी कि दो व्यक्तियों या फिर दो चीज़ों से ज़्यादा की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने यूज़ करना है अमंग ओके okay? तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज़ फाइव सन्स तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपनी जायदाद को अपने पांच बेटों में बांट दिया ओके okay? तो इसका मीनिंग ये है तो इसके अलावा हम अमंग को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं ये मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ अमंग इज़ यूज टू डिनोट सराउंडेड बाय सराउंडेड यानी कि उसके आसपास क्या है देर इज़ अ विलेज अमंग द हिल्स तो इसका मीनिंग क्या होगा जो विलेज है वो हिल्स से सराउंडेड है हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ ओके छोटे छोटे पहाड़ जिन्हें हम हिल्स बोलते हैं ओके तो माउंटेन माउंटेन्स भी बोलते हैं हम हिल्स को तो ये जो विलेज है वो सराउंडेड है हिल्स से यानी उसके आसपास हिल्स हैं और अब हम देखते हैं इट इज़ यूज टू इंडिकेट कनेक्शन और एसोसिएशन ओके okay, जब आप कनेक्शन या एसोसिएशन की बात करते हो तब भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो अमंग एज अ प्रेपोजिशन। आई सॉ हिम अमंग द क्राउड इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने उसे क्राउड में यानी कि भीड़ में देखा था ओके सो इट मीन्स दैट ही वॉज़ अ पार्ट ऑफ द क्राउड वो भी एक भीड़ का हिस्सा था ओके okay? तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इट इज़ यूज यूज़ टू डिनोट वन ऑफ इसका मीनिंग क्या हुआ कि उनमें से कोई एक कोलकाता इज़ अमंग द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन्स इन इंडिया इसका मीनिंग है कि कोलकाता इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं उनमें से एक है ओके okay? तो इस सेंस में भी हम इसे यूज़ करते हैं देन इट इज़ यूज टू इंडिकेट डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन और जॉइंट एक्टिविटी बाय मोर देन टू परसन्स जब दो से ज़्यादा लोग कोई जॉइंट एक्टिविटी कर रहे होते हैं या हम उनमें डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल देवर टॉकिंग अमंग डेमसेल्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो आपस में बातचीत कर रहे थे और जब हम यहाँ पर दे की बात करें यानी कि वो दो से ज़्यादा लोग थे ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टू लेसन थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन डन इट येट and give me your comments also. Thank you.